बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में कंडेंस मिल्क बना रहे हैं हम लोग। कंडेंस मिल्क बहुत इजी और हेल्दी होता है। इसके लिए चाहिए 1 कप दूध और 1/2 कप शक्कर। दूध को उबाल लीजिए और उसके अंदर 1/2 कप शक्कर डाल दीजिए। आप इनको दोनों को अच्छे से पका लीजिए। आज मैं किचन में कंडेंस मिल्क बना रही हूँ, आप इसको बना के रखिए। इससे हम अगली रेसिपी जो मेरी आने वाली है वो चॉकलेट बनाएंगे। आप लोग इसको बनाइए, इसको सीखिए। ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है शक्कर में और दूध में। अब इसको ड्राई करना है हमको। चम्मच कंटिन्यूसली हम लोग चलाते रहेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून केवड़ा जाएगा इस कंडीशन में, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको तेज़ी के साथ क्विकली आपको मिक्स करना है। गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, डम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर बिल्कुल भी। क्विकली आप इसको मिक्स करें और एक पेस्ट बना लीजिए इसका। 1 कप कंडेंस, 1 कप मिल्क से 1/2 कप कंडेंस में मिल जाएगा आपका इजीली। ये 15 मिनट्स का अप्रोक्सीमेट 15 मिनट्स का प्रोसेस है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा कंडेंस में तैयार होने वाला है हमारे किचन में, जिससे हम लोग चॉकलेट बनाने वाले हैं। मेरी अगली रेसिपी इसी कंडेंस मिल्क के साथ चॉकलेट बनाने की है। आपका अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। लास्ट में 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बच्चों को टोस्ट पे लगा के दीजिए, पराठे पे लगा के दे दीजिए, रोल बना के खुशी खुशी खाएंगे बच्चे। डिश आउट कर लीजिए और इसको आप फ्रिज में रख लीजिए। 2-3 घंटे बाद आप जब उसको निकालेंगे तो इसका टेक्सचर ऐसा होगा। थैंक यू।